नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिधवलिया में यदि रेक पॉइंट बनाने की देन है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की। रेक पॉइंट बन जाने से सिधवलिया बाजार की दशा और दिशा तय करेगी कि सिधवलिया का विकास विस्तृत रूप से होगा। इस विकास की गाथा रचने वाला सिर्फ भाजपा के एक कार्यकर्ता मिथिलेश तिवारी है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कही, उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मुझे भले ही दिल्ली में लेट ना क्यों न पड़े, मैं एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव कराकर छोड़ूंगा। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय के सिधवलिया बाजार में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाकर अखंड भारत का निर्माण कर दिया। गरीबों को अगर कोई देख रेख करने वाला है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए देखते हैं सिधवलिया से रिजवान उर्फ राजू की रिपोर्ट। सिवान से, बैकुंठपुर से पता नहीं कहां कहां की महिलाएं आई थी, और वो महिला आकर के जब उस रिवर फ्रंट पर बैठ करके और अगरबत्ती जला करके और गंगा मैया की पूजा कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरा जीवन ही स्वार्थ हो गया। जिस घाट पर एक ईंट भी किसी ने नहीं रखा, उस घाट पर आज राम घाट और सीता घाट बनकर तैयार है। लेकिन मित्रों, उतना ही करने की योजना नहीं है, आप जान लीजिए। जो इसलिए मित्रों, आज विकास की कल्पना तब हो सकती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज अगर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा का भाव एक एक नौजवान में इसलिए है कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब जाकर के सिधवलिया बाजार के लोग अपने घर में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो इस बात की चिंता नहीं रहती है कि सीमा पर कोई आकर के, आतंकवादी आकर के इस देश को पनाह कर सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। कंपटीशन में इस भारत को आगे बढ़ाना है तो सड़क अच्छी बनानी पड़ेगी और गाड़ियों की स्पीड आगे बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके भारत अमेरिका का बराबरी कर पाएगा। आज मुझे कहते खुशी हो रही है कि ऐसी सड़क अपने क्षेत्र को मिली है जिस सड़क पर भी 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की रफ्तार से कम गाड़ी नहीं चल पाएगा और पुलिस भी फाइन आपको नहीं। गन्ना की गाड़ियां हैं उसका भी रूट डाइवर्ट हो जाएगा, वो भी बाजार में आपको परेशान नहीं करेगा, इसका भी चिंता हम लोगों ने किया है। इसलिए कोई भी विकास होगा तो हमारे बाजार के, हमारे व्यवसायी भाइयों को ध्यान में रख के हम लोग उसकी नीति बनाते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। मित्रों, इसलिए सिधवलिया बाजार अब विकास के प्रति सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा, इसका हमको विश्वास है। और सिधवलिया बाजार को एक बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया है। मित्रों, आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी जब 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब यह देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा तब इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सपना देख करके काम कर रहे हैं। और उसके ठीक 4 दिन बाद फुलवारी शरीफ, पटना के फुलवारी शरीफ से PFI का एक आतंकवादी बयान देता है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा 2047 में भारत को इस्लामिक देश बना देगा। ये भी बयान आप लोगों ने सुना होगा। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो PFI संगठन के लोग थे वो उत्तर प्रदेश में जाके क्यों बयान नहीं दिए, क्यों वो बयान इस बिहार में ही दिए? इसलिए वो यूपी जाने से डरते हैं कि वहां जोगी बाबा पहले से छड़ी लेकर के बैठा हुआ है। अगर ऐसा बयान कोई यूपी में दिया रहता तो उसका खाल खींच करके भूसा भर देते वहां के मुख्यमंत्री। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा बयान उसने नहीं दिया, लेकिन बिहार में क्यों दिया ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। बिहार में इसलिए बयान दिया कि बिहार की जो मुख्यमंत्री है उनको जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा से बहुत प्रेम है और वो मुख्यमंत्री पलटू कुमार है, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। और इसलिए सिधवलिया के नौजवानों से हम कहना चाहते हैं कि आजादी का 75 वर्ष हो गया, मोदी जी ने इस देश में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश को बड़ी बड़ी सौगातें दी है और उसमें एक सौगात सिधवलिया का ये आपका रेक पॉइंट है। और आप जान लीजिए आज इस बाजार में इतना जाम लगा हुआ है, मैंने स्वयं महसूस किया है कि जब इस चीनी मिल में जब गाड़ियां जब ईख लेकर के आती है तो पूरा रास्ता जाम रहता है। हम लोगों को कई बार शाम को किसी की शादी ब्याह में जाना होता है तो गाड़ी नहीं निकल पाती है। इसीलिए
एक तीर में हमने दो से निशाना किया है। हमने रेलवे को इसके लिए मना लिया है कि रेलवे फाटक जो है आपका पूर्वारी रेलवे फाटक, वहीं से एक सड़क बनेगी और सीधा रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। अब जितनी भी गाड़ियां जो उस रेक पॉइंट पर आएगी वो बाहर से ही आएगी और बाहर से ही चली जाएगी, बाजार को उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका भी हम लोगों ने व्यवस्था किया।